सतगुरु अंगद देव साहब जी दे समय श्री खडूर साहब दे विच मलूका नां दा एक व्यक्ति पिंड दा चौधरी सी। कई विद्वानां ने इसका नाँ चौधरी जवाहर मल लिखिया है। तो इसकी हवेली सतगुरां दे मल अखाड़े दे नाल ही सी। इसनूं शराब पीण दी बड़ी भैड़ी आदत सी, इस करके इसनूं मिर्गी दी दुखदाई बीमारी सी। जदों बड़े बड़े इलाज करके भी ना हटी तो इसने बीमारी तो तंग आके सच्चे पातशाह दे हजूर आके बेनती कीती, आप तपा जी परम कृपाल सब पख है तुम सुजस बिसराल। दोवे हाथ जोड़ के बेनती कीती, हे गरीब नवाज जी मेरी मिर्गी दी बीमारी हटाओ, रोग अधिक मेरे तन माही, करहो कृपा जिव एहो मिट जाही। सतगुरु जी ने यह सहज सुभा कहा, भाई खोटी शराब पीनी छड़ दे, तेरी मिर्गी दी बीमारी हट जाएगी। पर यह गल चेते रखी, जिस दिन शराब पीवेंगा ऐसी मिर्गी आवेगी कि उठ नहीं सकेंगा, उत्थे ही मर जावेंगा। ये सतगुरु जी का बचन सी। ते मलूके ने यह बचन मन के शराब पीनी छड़ दित्ती, ते 8 साल जिउंदा रहा ते मिर्गी दी बीमारी ना आई। एक दिन उसने गलत संग करके उसने कहा, हुण तां बीमारी हट गई है, मौज लै सौण दियां घटां झुक के आईयां, ठंडी ठंडी पौण चली, निक्की निक्कियां बूंदां वादी हो रही सी। ये रह ना सकिया, नौकर नूं कहा लियाओ शराब। जदों शराब पी के नेत्रां नूं तरार जिहा आया ना, ता चुवारे ते चढ़ के आख्या, हे गुरु जी अज नहीं रह सकिया, अज मैं पी ली है शराब, वेखो अज शराब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुहाडा भी वचन झूठा पै गया। उसने वक्त सतगुरु साहब जी ने दीवान गुरद्वारे मल अखाड़े साहब विखे लगाया होया सी। सतगुरु जी ने यह गल सुन के सिखा नूं कहा, मिर्गी भी हुक्म दी वधी होई सी, इन्हें बचन तोड़ दिता, हुक्म दी वधी मिर्गी हुण अपना काम करेगी। ये वचन कहण दी देर सी ते उस समय मिर्गी पैण दे नाल चुवारे तो डिग के मौत हो गई।